सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सारे बंदे बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहे। गाइस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन गाइस यहाँ पे आज आप लोग का भाई आप लोग के लिए एकदम धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका है। और गाइस यहाँ पे आज आप लोग को पता है यहाँ पे गरेना फ्री फायर मैक्स में यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 3 घंटे के लिए रेड कस्टम कार्ड। सो गाइस यहाँ पे आज के वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि गाइस यहाँ पे आप लोग आज के दिन में यहाँ पे 12 से 15 घंटे रेड कस्टम कार्ड कैसे खेल पाओगे। गाइस यहाँ पे एक निंजा टेक्निक है। साथ ही में गाइस यहाँ पे आज के इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि गाइस यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे रेड कस्टम कार्ड वो कैसे बनाना है। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को भी ये जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा टिल एंड तक जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि आज का वीडियो ना आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट सा रहने वाला है। और गाइस यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे इस वीडियो में गिव अवे, जिसमें गाइस यहाँ पे अगर आप लोग अपनी UID कॉमेंट करते हो, साथ ही हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो गाइस यहाँ पे ये गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट कर लोगे। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को भी अपनी आईडी में 100 डायमंड्स चाहिए, सो गाइस यहाँ पे फटाफट से अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे चैनल है उसके नीचे गाइस यहाँ पे कमेंट कर दो अपनी UID, जिसकी मदद से आप लोग की आईडी में डायमंड्स आ सके, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ये जरूर से कर लेना। सो चलो गाइस यहाँ फटाफट से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि भाई लोग यहाँ पे आप लोग को रेड कस्टम कार्ड है उसको कैसे बनाना है। बाद में गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को करना फ्री फायर में 12 से 15 घंटे एकदम फ्री में भाई लोग यहाँ पे आप लोग रेड कस्टम कार्ड कैसे खेल पाओगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कस्टम में आ चुका हूँ। कस्टम में आने के बाद आप लोग को गाइस यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्रिएट पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी फेवरेट मैप है वो गाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सो गाइस यहाँ मेरी मानो तो यहाँ पे आप लोग को बरमूडा मैप ही रखना है, जिसकी मदद से गाइस यहाँ पे होगा क्या कि आप लोग को यहाँ पे खेलने में ईजी रहेगा, ठीक है। बाद में गाइस यहाँ पे पासवर्ड इधर कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ एडवांस मोड आ रहा है। सो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लोग को ये एडवांस मोड है वो ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोग एडवांस मोड है वो ऑन करोगे, सो यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हो यहाँ पे रेड कस्टम कार्ड वो आ चुका है। ऑफ करोगे तो गाइस यहाँ पे येलो कस्टम कार्ड आएगा। सो गाइस यहाँ पे इसको आप लोग को ऑन रखना है, जो है गाइस यहाँ पे हमारा एडवांस सेटिंग, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आप लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें आई हुई देखने को मिल जाएगी, जिसमें गाइस यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमी में जाते हैं। बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, गाइस यहाँ पे इसको सारे जो मतलब कि यहाँ पे इसको जीरो पे कर देना है, ठीक है। गाइस यहाँ पे नहीं, इसको जीरो नहीं, सॉरी, मतलब कि इसको फुल कर देना है आप लोग को। गाइस यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो कर देना भाई, बहुत मजा आएगा गेम खेलने का, ठीक है। गाइस यहाँ पे आप लोग को इसको सारे यहाँ पे जो कॉइन्स है उसको फुल कर देना है इकोनॉमी को। और गाइस यहाँ पे आप लोग को इससे होगा क्या कि अगर आप लोग किल करोगे जीतोगे तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा गरेना फ्री फायर की तरफ से पैसे दिए जाएंगे गेम में हमारे क्लैश स्क्वाड में, ठीक है। बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अपनी जो भी फेवरेट गन से उसके ऊपर गाइस यहाँ पे आप लोग को टिक मार्क लगाना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो भी फेवरेट गन नहीं है और यहाँ पे वो आप लोग चाहते हो कि अपनी गेम में ना आए, सो गाइस यहाँ पे आप लोग को यहाँ से टिक मार्क वो घटा देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो मुझे M1040 नहीं पसंद, सो इसके ऊपर से मैं टिक मार्क हटा दूंगा। बाद में गाइस यहाँ पे विक्टर गन है वो भी नहीं पसंद, तो गाइस यहाँ पे इसके ऊपर से भी मैंने यहाँ पे टिक मार्क हटा दिया है। बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपने मन पसंदीदा गन है उसको गाइस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो सारी चीजें उसको भी गाइस यहाँ पे फटाफट से जीरो कर दो, ताकि गाइस यहाँ पे खेलने में काफी मजा आ जाए, ठीक है। गाइस यहाँ पे कुछ कुछ गन से उनके गाइस यहाँ पे पैसे आप लोग चाहे तो रख सकते हो, बाकी तो गाइस यहाँ पे इसको भी आप लोग जीरो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफली गन का यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो जीरो कर दिया है, जिसको गाइस यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप लोग को गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ढेर सारी गन से, सो यहाँ पे चाहे तो आप लोग यहाँ पे सारी गन्स की इकोनॉमी है वो जीरो कर सकते हो, ठीक है। बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोग आइटम्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि भाई यहाँ पे वो वाले आइटम नहीं यार। वाह क्या सीन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्ट की और गाइस यहाँ पे हेलमेट की। सो गाइस यहाँ पे आप लोग वेस्ट हेलमेट को भी गाइस यहाँ पे जीरो कर देना है। बाद में यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे लेवल 4 का यहाँ पे वेस्ट भी रख सकते हो, और चाहे तो यहाँ पे लेवल 2 का वेस्ट है वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पे रेड कस्टम कार्ड में आप लोग को यहाँ पे ये सारी पावर मिल जाएगी, जिसमें गाइस यहाँ पे आप लोग चीजें चाहे तो रख सकते हो और चीजें चाहे तो निकाल सकते हो। सो गाइस यहाँ से मैं फ्लैश बैंग वो निकाल दूंगा। बाद में गाइस यहाँ पे मैं यहाँ से ग्रेनेड भी निकाल दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे परेशान करते हैं कभी कभी ग्रेनेड डाल के भी। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें
हटा दिए। सो गाइस यहां पे अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गाइस यहां पे आप लोगों को कंफर्म पे क्लिक कर देना है और गाइस यहां पे सीधा आप लोगों का कस्टम कार्ड है रेड कस्टम कार्ड वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस यहां पे ये जो रेड कस्टम कार्ड है वो बनाना एकदम इजी है। सो गाइस यहां पे मैंने बोला इसी तरीके से करना। सो गाइस यहां पे अब आपका झील भाई यहां पे ये बताएगा कि यहां पे आप लोग को यहां पे रेड कस्टम कार्ड है वो दिन में यहां पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 ही घंटा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस यहां पे अभी मैं आप लोग को बताता हूं जिसकी मदद से यहां पे आप लोग 12 से 13 घंटे यहां पे 8-8 बंदे रेड कस्टम कार्ड वो खेल पाएंगे, ठीक है। सो गाइस यहां पे एक ट्रिक है वो एक की गई जहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग का फ्रेंड है वो फ्री है तो उनको बोलो कि भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं कस्टम बना देता हूँ। सो गई यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टम बना देना है, वो गई जहाँ पे कस्टम कार्ड आप लोग को 3 घंटे के लिए मिलेगा, ठीक है। सो गई जहाँ पे आप लोग जो भी 8 के 8 फ्रेंड है उनको बोलना है कि भाई यहाँ पे अपना कस्टम कार्ड है वो वेस्ट मत करना। सो गई यहाँ पे सबसे पहले तो आपके कस्टम की मदद से यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 घंटे रेड कस्टम कार्ड खेल लिया, ठीक है। गई जहाँ पे अब आती है दूसरे फ्रेंड की बारी। सो गई जहाँ पे दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि भाई यहाँ पे अब तू कस्टम कार्ड बना क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने अपने 3 घंटे का कस्टम कार्ड वो खत्म कर दिया है, तू हमारे साथ ही खेल रहा था इसलिए भाई यहाँ पे तू सेकंड कस्टम कार्ड बना। सो गाइस यहाँ पे होगा क्या कि आप लोग को यहाँ पे 6 घंटे टोटल यहाँ पे रेड कस्टम कार्ड खेलने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 रेड कस्टम कार्ड की मदद से, ठीक है। बाद में गाइस यहाँ पे वो रेड कस्टम कार्ड खत्म हो जाए तो यहाँ पे वापस से आप लोग को जो भी मतलब कि सबसे पहले कस्टम कार्ड में 8 बंदे खेले थे उनमें से गाइस यहाँ पे कोई भी एक बंदे को आप लोग को वापस से चुनना है और गाइस यहाँ पे उसको बोलना है कि भाई यहाँ पे वापस से तू कस्टम कार्ड बना, ठीक है। इसकी मदद से ऐसे कर करके यहाँ पे आप लोग 12 से 15 घंटे और भी 24 घंटे भी आप लोग इजीली रेड कस्टम कार्ड को खेल पाओगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा कि रेड कस्टम कार्ड आप लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिनटों के लिए खेलना है। साथ ही में आई होप कि आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे आप लोगों को रेड कस्टम कार्ड को कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो मेरे प्यारे भाई लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और गाइस यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या करो यार फटाफट से नीचे जाओ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को यार 100% कर दो, ठीक है। सो बस मित्रों आज कल बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।